को एक हंसी की बात कहना चाहता हूं, है वो बहुत गंभीर। आजाद हो गया तो 50 साल तक इस देश की संसद में बजट शाम को 5 बजे पेश होता था, आपको याद है, 1997 तक बजट शाम को 5 बजे आता था। एक बार मैंने भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री को यह प्रश्न किया कि बजट शाम को 5 बजे क्यों आता है, संसद तो सवेरे 10 बजे चलती है, 11 बजे चलती है, शाम को 5 बजे बजट क्यों आता है, संसद जब खत्म होने वाली होती है तो शाम को 5 बजे बजट क्यों आता है। तब उन्होंने कहा कि यह अंग्रेजों के जमाने का नियम है। अब अंग्रेज जब इस देश की संसद में बैठते थे दिल्ली में, 1927 से अंग्रेजों ने संसद में बैठना शुरू किया, तो इस संसद में अंग्रेज बैठा करते थे, तो यहां जब शाम के 5 बजते हैं तब लंदन में सवेरे के 11:30 बजते। अब लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठे हुए एमपीज को भारत का बजट सुनना होता था, तो इसलिए यहां शाम को 5 बजे बजट पेश किया जाता था ताकि सवेरे 11:30 बजे वो लोग सुन सके। ठीक है, 1947 के पहले ये चलता था तो हमने मान लिया, 1947 के बाद 50 साल तक ये क्यों चलता रहा इस देश में, क्यों नहीं बदला हमने इस नियम को। जब पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से मैंने कहा तो उन्होंने कहा वो तो अंग्रेजों के जमाने का नियम है, तो मैंने कहा अंग्रेजों ने यह कह दिया था कि हमारे जाने के बाद भी इसे मत बदलना, हमारी अकल नहीं है, हमारी बुद्धि नहीं है, हमको समझ नहीं है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को सुनाने के लिए होता था, अब हमारा उनसे क्या कनेक्शन है, क्या लेना देना है। और जब ये बहस संसद में हुई तो किस दिन हुई, हिंदुस्तान की आजादी के 50 साल का एक उत्सव हुआ था संसद में, आप याद करिए, रात को 12 बजे 1997 में विशेष अधिवेशन हुआ, उस समय चंद्रशेखर ने यह मुद्दा उठाया और बहुत हंगामा हुआ संसद में इस पर। तब जाकर सरकार ने यह माना कि हां 50 साल से हम गलती कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि अब इसको सुधारा जाएगा। तो अगले साल 1998 से बजट सवेरे 11 बजे पेश होने लगा, माने इस छोटी सी व्यवस्था को बदलने में 50 साल लगा, 50 साल। सोचिए हमारी आजादी का क्या अर्थ है।